हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय साहब उपस्थित होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में जो दूसरी लहर आई है, इसमें देश में और खास तौर से दिल्ली में किस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, मरीजों को उचित इलाज कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, और उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है, और जिस तरीके से तीसरी लहर की भी वैज्ञानिक और डॉक्टर आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसमें सभी सरकारों को और जनता को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ताकि महामारी की स्थिति में देश को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। अश्वनी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लोग कहते हैं कि पूरा देश दिल्ली में बसता है। दिल्ली में जो इस वक्त कोरोना काल में अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है, और किस तरीके से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो जारी करके कहते हैं कि अगर हमें केंद्र सरकार जिस तरीके से वैक्सीनेशन के डोजेस उपलब्ध करा रही है, उस गति से हम चलेंगे 30 महीने लग जाएंगे वैक्सीनेशन पूरे दिल्ली वासियों को देने में। इस दौरान लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे, और वो बहाना ढूंढकर अपनी आक्रमणीयता को छुपाने के लिए जनता के सामने घड़ियालू आंसू बहाकर अफवाहें फैला रहे हैं और एक तरह से दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो महामारी है, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था, इस पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया गया था, इसकी हमारे पास दवाई नहीं थी, इसकी पीपी नहीं थी जी। इसके बावजूद पिछले जब महामारी शुरू हुई जी, उसके 6 महीने के अंदर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस पूरे मैटर को हैंडल किया जी, सभी राज्य सरकारों के सहयोग से जी, वो मुझे लगता है बहुत तारीफ काबिल है जी। अगर आप भारत को देखें तो कहने को तो भारत एक देश है जी, लेकिन भारत दुनिया के, चाइना छोड़ दीजिए, तो दुनिया के 20 जो डेवलप्ड कंट्री है जी, उनकी जनसंख्या से भी भारत की जनसंख्या ज्यादा है जी। अमेरिका, रूस, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, ऐसे 20 देश हैं जो डेवलप्ड माने गए, मतलब जिसको हम G20 कहते हैं जी, उनके बराबर भारत की जनसंख्या है जी। लेकिन क्षेत्रफल के मामले में हम उनसे 1/20 है जी। कहने का मतलब कि 20 देशों की जनसंख्या तो भारत के बराबर है जी, लेकिन उन 20 देशों का क्षेत्रफल भारत का 20 गुना है जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा हॉस्पिटल का नेटवर्क हमारे पास है जी, दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस हमारे पास है, सबसे ज्यादा दवाइयां हमारे पास, सबसे ज्यादा बेड हमारे पास जी, सबसे ज्यादा ऑक्सीमीटर, सबसे ज्यादा थर्मामीटर हमारे यहाँ बनाया जा रहा है जी। इसके बावजूद भी बेड के लिए, दवा के लिए, ऑक्सीमीटर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी है जी, इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पिछले, अभी तो ठीक हो गया, लेकिन अप्रैल के महीने में हाहाकार पूरी तरीके से मचा हुआ जी। ठीक है, एकदम मारामारी हो रखी थी। 3,000 रूपए का सिलेंडर 40,000-50,000 में बिक रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हम ये देखें अपनी तैयारी के हिसाब से, अगर आप 1-to-1 कम्पेयर कर लीजिए, चाहे हम कहते हैं मान लो आप चाइना से कम्पेयर कर लीजिए जी, तो चाइना की जनसंख्या 141 करोड़ है, तो 141 करोड़ का मतलब 141 करोड़ जी। भारत की जनसंख्या, भारत में तो 125 करोड़ लोगों का आधार 2019 में बन गया था जी, 20% लोग आज भी बिना आधार के हैं, आपके भी रिश्तेदार नातेदार के यहाँ पता कर लीजिए, सबका आधार नहीं बना होगा। छोटे बच्चों का हमारे यहाँ आधार तब बनता है जब बच्चा हाई स्कूल में आता है जी, तो 125 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, जनसंख्या हमारी सीधे 150 करोड़ हो गई जी। और चाइना से हम इसलिए तुलना नहीं कर सकते कि जनसंख्या के मामले में अगर आप किसी देश से तुलना करते हैं, उस देश के क्षेत्रफल की भी तुलना करना चाहिए। बिल्कुल सही है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है जी, और हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है जी।
चीन की जनसंख्या 141 करोड़ हो गई, हमारी जनसंख्या आंकड़ों में भले हम नंबर टू है लेकिन वास्तव में हम नंबर वन है, हम 150 करोड़ हो चुके हैं जी। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, जनसंख्या उनकी 33 करोड़ है जी, हमारी 150 करोड़ जी। तो इन स्थितियों में भी जिस तरीके से संभाला गया वो काफी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया गया जी। लेकिन फिर भी ये दुखद है, बहुत सारे घर परिवार ऐसे हैं जिनमें दुर्घटनाएं हुई हैं जी, बहुत सारे हमारे बच्चे अनाथ हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक दिल्ली की बात है जी, दिल्ली में तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके का बिहेवियर पिछले 6-7 महीने में किया गया जी, सरकार ने सभी राज्यों को कह दिया था आप लोग ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाइए, ऑक्सीजन के लिए कुछ भी इंतजाम कर लीजिए जी, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके पहले केवल ऐड देते रहे, भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अखबारों में ऐड देते रहे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जी। इस महामारी में हम कहते हैं आपने 200 पता नहीं 200 250 का क्लेम कर रहे हैं कि हमने 200-250 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जी, एक भी मोहल्ला क्लिनिक हमारे इस कोविड के काम में नहीं आया जी, बिल्कुल कम से कम एक मोहल्ला क्लिनिक अगर काम में आ गया होता भाई, एक मोहल्ला क्लिनिक में भी 5-10 लोगों का इलाज हुआ है जी, तो समझ में आ जाता जी, ऐड दे दिया पूरी दुनिया में जी। तो अब फिर वही हो गया, ऑक्सीजन के लिए तू मैं ऑक्सीजन के लिए वही फिर से आरोप प्रत्यारोप जी, दवा के लिए आरोप प्रत्यारोप, गैस के लिए आरोप प्रत्यारोप, सिलेंडर के लिए आरोप प्रत्यारोप जी। दिल्ली में इस समय सबसे ज्यादा जो जमाखोरी हुई है बेड की वो दिल्ली में हुई है जी, सबसे ज्यादा जो दवाओं की कालाबाजारी हुई है दिल्ली में हुई है जी, सबसे ज्यादा जो मिलावट खोरी गई हो रही है, नकली दवाइयां बेची गई दिल्ली में बेची जी। अश्विनी जी यहीं पे एक सवाल है कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं और जो डिस्पेंसरीज हैं अलग अलग जगहों पे मोहल्लों में, वहां आम आदमी दवा लेने जाता है तो एक तो दवा औने पौने पैसों में जो है ब्लैक मार्केटिंग करके जो है लोग बेच रहे हैं, और अस्पतालों में बेड होते हुए भी कई जगह बेड नहीं देती है सरकार और अस्पताल के लोग, लेकिन अगर केजरीवाल का कोई मंत्री विधायक या कार्यकर्ता चाहता है तो उसको बेड उपलब्ध हो जाता है या उसके चाहने वालों को या जानने वालों को, तो ये किस तरीके से जो है दिल्ली सरकार काम कर रही है कि बेड जो है होते हुए भी उसको अनुपलब्ध दिखा देते हैं और उनका आदमी जाता है तब जो है मिल जाते हैं, तो इस तरह से तो गंदी राजनीति हो रही है। ये तो लाल फीता शाही हो गई, ये तो VVIP कल्चर हो गया, ये तो कहते नहीं आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात हो गई कि इस आपदा में भी लोग अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने आप को ह्यूमन सुपरमैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लो मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बेड दे रहा हूँ। अरे दवा बेचना तो मेडिकल स्टोर का काम है जी, विधायक थोड़ी दवा बेचता है जी। बेड अगर हम बड़ी सीधी सी बात है, किसी हॉस्पिटल में अगर 100 बेड है और 100 बेड भरी हुई है जी, तो वो किसी विधायक के कहने पे और दिल्ली सरकार की मंत्री के कहने पे वहाँ बेड खाली कैसे हो जा रहा है जी, सही। इसका मतलब बेड वहाँ रिजर्व की हुई है जी, इसका मतलब दिल्ली सरकार ने बेड खाली करा के रखा हुआ कि जब हम फोन करेंगे हम दूसरों के साथ जो है सहानुभूति लेना चाहते हैं, हम उसको दिखाना चाहते हैं हम तुम्हारे काम आए जी। तो इस महामारी में भी लोग ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जी, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बेड की जमाखोरी हुई है, सबसे ज्यादा यहाँ कालाबाजारी हुई। कालाबाजार आपने देखा ही होगा, ऑक्सीजन का जो अभी पकड़ा गया था खान मार्केट से, वो कालरा नवनीत कालरा जी जी जी, और बड़ा ये तो मतलब पूरी दुनिया जानती है कि केजरीवाल जी का बड़ा खास आदमी है जी। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने पाल रखा है जो बेड की जमाखोरी कर रहे हैं, दवाओं में मिलावटखोरी कर रहे हैं, दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं जी, दवाओं में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। 1,000 रुपए की दवा 40,000 रुपए में दवा बिक रही है दिल्ली में, और दिल्ली सरकार इसको कंट्रोल करने की बजाय जी ले दे के हमको ये नहीं मिला हमको वो नहीं मिला, तुमको जो मिला तुम उस पे तो काम कर नहीं पा रहे हो जी। अच्छा केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले जो महीने में अप्रैल के महीने में हमें जो डोजेस दी थी वो जो इस्तेमाल हुई हैं वो 16,000 थी, और इस बार जो है मई में जो जून में मिलेंगी हमें वो 8,000 मिलेंगी, तो हमारी डोजेस कम कर दी गई हैं, तो वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रही है और दिल्ली की जनता को जो राहत उनको पहुंचाना था वो खुद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन वो ब्लेम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वजह से वे सेवा नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली की जनता का, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो बकवास करने की उनकी आदत है, बकवास कर रहे जी, बकवास कर रहे थे, बकवास कर रहे हैं, बकवास करते रहेंगे, आरोप लगा रहे थे, आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाते रहेंगे।
मैं तो अगर शॉर्ट में कहूं एएपी का मतलब ही हो गया है एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगंडा। एएपी का मतलब अब आम आदमी पार्टी नहीं है बल्कि ए फॉर एलिगेशन, ए फॉर एजिटेशन, पी फॉर प्रोपोगंडा। ये एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगंडा पार्टी हो चुकी है पूरी तरीके से। अश्विनी जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जितना पैसा जो है दिल्ली में विज्ञापनों पे, होल्डिंग्स में और न्यूज़पेपर और चैनलों में अपने चेहरे को चमकाने के लिए खर्च किया, वो पैसा अगर स्वास्थ्य सेवाओं को और ऑक्सीजन के प्लांट लगाने में खर्च किया जाता तो कुछ और बेहतर स्थिति में दिल्ली वासियों का इलाज किया जा सकता था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने आम जनता के पैसे को, पहली बात तो ये जो पैसा होता है ये सरकारी पैसा नहीं होता, ये हमारा पैसा होता है, आपका पैसा होता है जी। जो हम लोग सामान खरीदते हैं वो कहते हैं नमक से लेके तेल तक जो खरीदते हैं उसमें हम जीएसटी देते हैं जी, वो पैसा उसी से आता है जी। इनकम टैक्स वाले तो ऊपर से इनकम टैक्स भी देते हैं, जो बेचारे नौकरी पेशा लोग हैं जी, या बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं जी। नहीं तो एक गरीब से गरीब आदमी चाहे वो दिया खरीदे, चाहे वो एक चावल खरीदे, चाहे दाल खरीदे या कुछ भी खरीदे, साबुन खरीदे, वो सब पे जीएसटी देता है जी। तो पहली बात तो दिल्ली सर उनका उनकी उनके खुद का पैसा नहीं, उनके घर का पैसा नहीं कि अपने चेहरा चमकाने में सारा पैसा खर्च करें जी। सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने केवल और केवल इस बात के लिए खर्च किया कि मास्क लगाओ, ये करो वो करो। अरे सबको पता चल चुका है कि मास्क लगाना जरूरी है जी, ये 2020 में सबको पता चल गया था मास्क लगाना जरूरी है, उसके लिए विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है जी। और विज्ञापन देना भी था तो दिल्ली के लोकल अखबारों में दे देते, लोकल वेबसाइट जो दिल्ली में चलती है उससे दे देते जी, लोकल न्यूज चैनल पर दे देते। वो तो बाकायदा लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कन्याकुमारी तक विज्ञापन दे रहे हैं सारे राष्ट्रीय अखबारों में, सारे राष्ट्रीय चैनलों पे जी। और कई बार तो देखा गया कि गोवा में जो लोकल वहाँ पे कोंकण अखबार है उसमें भी विज्ञापन चल रहा है, गुजरात के जो गुजराती अखबार है उनमें विज्ञापन चल रहा है जी। बंगाल के जो बंगाली अखबार है उनमें भी विज्ञापन चल रहा है। मतलब मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, समस्या दिल्ली की है, दिल्ली के लोगों को इलाज करना है और विज्ञापन दे रहे हैं लद्दाख और लक्षद्वीप में। तो ये मुझे लगता है पैसे का पूरी तरीके से मिसयूज है। जनता भी धीरे धीरे समझ रही है, इनके पूरे खेल को समझ रही है, इनको केवल एलिगेशन करना, एजिटेशन करना, प्रोपोगंडा करना आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता, इनको गवर्नेंस नहीं आती। अश्वनी जी एक चीज और आप बताइए कि जिस तरीके से जो है महामारी फैली इसमें जो है सबको राजनीतिक विद्वेष भावना से दूर हटकर एक सामूहिक नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री का साथ देते हुए इस महामारी से निपटना चाहिए, उस दिशा में जो है कई राज्य सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी या विरोधी दल की हैं, सहयोगी नहीं है, उनका रवैया जो है बहुत ज्यादा वैसा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने मीडिया ने दिखाया कि पंजाब में किस तरीके से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े हुए हैं बेकार, मतलब उनका यूज नहीं हो रहा है और पड़े पड़े खराब हो रहे हैं जी। राजस्थान में भी ऐसी चीजें आई जी, अभी राजस्थान में उन्होंने डोज भी लगाया तो ऐसे ऐसे लोगों को डोज लगा दिया, ऐसे लोगों को उन्होंने पैसे दे दिए जो वास्तव में ही नहीं है जी। तो आप ये जो महामारी है ये दो चीजें बहुत स्पष्ट कर रही है जी, कि पहली बात तो आप कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जी, लेकिन जब तक आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक समस्याएं कंट्रोल में नहीं आएंगी जी। ये कोरोना ने हमको दिखा दिया कि आप कितना भी डेवलप गवर्नमेंट कर लीजिए लेकिन जब तक आप पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप बात बनेगी नहीं जी। दूसरा, बहुत सारे लोग जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी के कारण खत्म हो गए जी। कुछ लोगों को बेड नहीं मिला जी, इसलिए खत्म हो गए अप्रैल के महीने में। कुछ लोगों को नकली दवा मिली तो नकली मिली, इसलिए खत्म हो गए जी। कुछ लोगों को दवा मिल रही थी लेकिन वो 40-50 हजार रुपए की मिल रही थी, वो गरीब आदमी खरीद नहीं पाया, इसलिए खत्म हो गए जी। तो इस पूरे महामारी में जो लोग खत्म हुए हैं वो जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नक्काली के कारण खत्म हुए जी। दुर्भाग्य आप देखिए कि इवन मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं जी, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है जी,
और आपने पहले भी देखा होगा हर छोटी छोटी बात पे विधानसभा का विशेष सत्र बुला लेते थे निंदा करने के लिए, इसकी निंदा करना, उसकी निंदा करना जी, मतलब निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए कितनी बार उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया जी। मैं तो कई बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि देखिए भ्रष्टाचार के कारण लोग मर रहे हैं जी, बेड की जमाखोरी हो रही इसलिए लोग मर गए जी, बेड की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी हुई इसलिए लोग मर गए, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कारण लोग मर गए जी, जमाखोरी के कारण लोग मर गए जी। आप विधानसभा में एक प्रस्ताव लाइए और जमाखोरों, मिलावटखोरों और कालाबाजारियों को आजीवन कारावास देने और उनकी 100% प्रॉपर्टी सीज करने के लिए एक प्रपोजल लाइए। बिल्कुल ठीक है, आप उस प्रपोजल को भेजिए केंद्र सरकार को जी। हो सकता है आपको देख देख कोई और सरकारें भी, कोई और सरकार भी उस पर ऐसा ही प्रपोजल कर दे जी। लेकिन आपने कभी देखा, आपने कभी पिछले 5 साल में, मतलब सरकार के पहले आपने केजरीवाल को भ्रष्टाचार बड़े बड़े भाषण देते हुए सुने होंगे, ये भ्रष्ट वो भ्रष्ट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा जी, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी जिद है, ऐसे पता नहीं क्या कितनी कितनी मतलब फेंकते रहते थे जी। जब से सरकार बने हैं इन्होंने कभी विधानसभा में प्रस्ताव भी नहीं लाया कि भाई जो भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी सीज की जाए, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास दिया जाए, कालाधन रखने वालों को आजीवन कारावास दिया जाए, जमाखोरों, मिलावटखोरों, कालाबाजारियों को आजीवन कारावास दिया जाए, कभी एक प्रस्ताव नहीं लाए जी। इससे इनका दोहरा चरित्र समझ में आता है, इनका पूरा मुखौटा उतर गया, इस कोरोना ने उतार दिया। अश्वनी भाई एक चीज और पूछना चाहेंगे हम कि अभी जो कोरोना काल में जो पैसे वाले लोग हैं उनका भी व्यापार और नौकरी और सारी चीजें, बिजनेस जो है प्रभावित हुआ है, और नीचे जो रोज कमाने खाने वाले उनका भी और मध्यम वर्ग का भी, पैसे वाले जो पैसे वाले हैं वो तो किसी तरह से जो है सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा जमा है ठीक है, और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको जो है सरकारें जो है मदद कर देती हैं, भारत सरकार भी मदद कर रही है, राशन पानी अनाज और रोजमर्रा की चीजें दिल्ली सरकार भी दे देती है, भाजपा की सरकार जहां नगर निगम में है वहां निगम पार्षद लोग भी अपने स्तर पर गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है मिडिल क्लास वालों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, वो खुददार लोग होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, वो जाके लाइन लगा के किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते और ना उनका उस गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड है कि उनको जो रोजमर्रा की चीजें मिल जाएं, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई है, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी कुछ राहत सामग्री या आर्थिक सहायता की इंतजाम करना चाहिए? देखिए निश्चित रूप से ये जो आपने विषय कहा ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे एक दो स्टेप पहले लिए भी गए थे, बैंक के लोन की EMI रोक दी गई थी जी, जिनके पहले से कोई और भी अलग तरीके का लोन है उसको रोका गया था, उसकी EMI रोक दी गई थी जी, ये सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है निश्चित रूप से, इसको केंद्र सरकार राज्य सरकार सबको इसकी चिंता करनी चाहिए, ये एक मामला ऐसा है जिसको हमें सोचने की जरूरत है। अच्छा ये जो कोरोना काल में जो है दूसरी बार जो है ये लहर आई और इसमें इतना नुकसान हुआ, पूरे देश का ही नुकसान हुआ, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, उत्पादन रुका, तो ऐसे हालात में आने वाले समय में जिस तरह से वैज्ञानिक और डॉक्टरों की भी जो है सलाह और आशंकाएं भी वो व्यक्त कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी और उसमें जो है बच्चों पे जो है ज्यादा इसका कुप्रभाव होगा, तो उसके लिए जो है डॉक्टरों और साइंटिस्ट का मानना है कि वैक्सीनेशन बड़े लेवल पे होना चाहिए, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो आप जो है बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता और अधिवक्ता हैं, आप सलाह देते हैं उसको लोग मानते भी हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन तेजी से पूरे देशवासियों का हो जाए उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कोई सुझाव दें आप? नहीं, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने सबसे सुझाव भी लिए हैं जी। सरकार देखिए सबसे ज्यादा इसमें मेन तो इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर जी, इसके लिए हम और आप उतने मेन सुझाव हमारा शायद नहीं, हम लोगों का वो फील्ड नहीं है जी। मेन इसमें जो सुझाव होता है वो डॉक्टर्स का होता है, साइंटिस्ट का होता है जी, और उन्हीं के फीडबैक के आधार पे नीति आयोग में एक ग्रुप बना हुआ है, हाई पावर ग्रुप है, वो भी काम कर रहा है जी, ICMR के लोग काम कर रहे हैं जी। कोशिश यही है कि इस वर्ष तक सबको जो है एक बार वैक्सीनेशन हो जाए, ये कोशिश सबकी है। सर एक चीज और है, ICMR ने कुछ प्रोटोकॉल जो है डिसाइड किए हैं, उस प्रोटोकॉल में उन्होंने मेंशन किया है कि ये 1 2 3 3 टाइप्स के जो है लक्षण हैं,
पेशेंट को कोरोना जो प्रभावित होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड का तो घर पे ही इलाज हो, क्वारंटाइन करके और उनको मेडिसिन दी जाए, जो थर्ड स्टेज वाले हों, सेवियर केसेस जो हों, उनको ही अस्पतालों में एडमिट किया जाए, तब की कुछ प्राइवेट अस्पताल जो कारपोरेट घराने के हैं वे लोग जो है फर्स्ट स्टेज के लोग भी होते हैं तो उनको भी अपने एडमिट कर लेते हैं और सेकंड स्टेज वालों को, इसलिए भी बेड जो है अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कई बार थर्ड स्टेज वालों को। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें बेसिकली देखिए, जिंदगी सबको प्यारी होती है जी। जिसके पास, कुछ लोगों के लिए पैसा भी फैक्टर होता है, कुछ लोगों के लिए पैसा फैक्टर नहीं होता है जी। तो इस बार ये देखा गया कि जो एलिट क्लास है, जो हायर इनकम ग्रुप है, पैसे वाले लोग हैं जी, वो क्या पॉजिटिव होते ही जाके एडमिट हो गए जी, और बाद में ये पता चला नहीं उनको जरूरत नहीं थी एडमिट होने की जी। और नर्सिंग होम को क्या, नर्सिंग होम को तो पैसा चाहिए जी, पैसा वो फर्स्ट स्टेज वाला दे या सेकंड स्टेज वाला दे या थर्ड स्टेज वाला है जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो जो पहुंच जाएगा, भैया हमको एडमिट कर लो, वो कहेंगे ठीक है जी, हम 50,000 लाख रुपए रोज लेंगे, आप दे सकते हो, चलो आ जाओ जी। तो ऐसा देखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस तरीके से जागरूकता आई है जी, लोगों को समझाया गया है जी। देखिए इसमें पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि ज्यादा अफेक्ट उन्हीं पे आया जो बिल्कुल फिजिकल वर्क जिनके पास नहीं था जी, या जो लोग घर में भी एसी, कार में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, मतलब जिनको सूर्य की रोशनी मिल नहीं पाती है जी। तो मेरा सबसे आग्रह यही है जो आप जो लोग इस वीडियो को सुने जी, कि कम से कम सुबह 1 घंटे योग प्राणायाम जरूर करें और 1 घंटे वो धूप में जरूर रहें जी। कोशिश करें कि वो योग प्राणायाम धूप में करें, चाहे छत पे बैठ के करें या कहीं पार्क में जाके करें, जहां भी करें जी। धूप लेना बहुत जरूरी है जी। ये सबसे अच्छा जो वैक्सीन है, सबसे अच्छा जो सैनिटाइजर है, वो हमारा धूप है जी। दुर्भाग्यवश हम लोग एडवांस बनने के चक्कर में कि हम सांवले न हो जाएं जी, हम ये न हो जाएं, हम वो न हो जाएं, लोगों ने धूप लेना छोड़ दिया जी, कि धूप से थोड़ा चेहरा सांवला हो जाता है जी। तो इन सब चक्करों के अदरवाइज धूप सबसे अच्छी चीज है जी। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, मैं भी इसलिए डॉक्टर्स की बात को इंडोर्स कर रहा हूँ जी। हमारे जो पद्धतियां रही है, हमारी जो पुरानी पद्धतियां रही उनमें भी यही कहा गया है जी। धूप लीजिए, भारतीय खान पान का उपयोग करिए जी, हल्दी लीजिए, जीरा लीजिए, जो मतलब भारत के हमारे मसाले हैं। सर एक सवाल और, हाईकोर्ट के जो है जजेस के लिए अशोका होटल को एक तरह से कोविड हॉस्पिटल में जो है कन्वर्ट करने के लिए केजरीवाल प्रस्ताव लाए थे, और लेकिन फिर उन्होंने उस प्रस्ताव पे जो है आगे कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो है हाईकोर्ट के जजेस ने जो है इनको फटकार लगाई थी बद इंतजामी को लेके अस्पतालों की, और नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं ना उपलब्ध कराने के लिए लापरवाह होने के नाते, तो इसलिए उन्होंने जो है एक तरह से देखा जाए तो जजों को जो है अपनी तरफ करने की नियत से वो चीज की थी, नहीं तो अगर वो ईमानदार थे तो उसके बाद भी जो है उनको उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए वो निश्चित रूप से वो उन्होंने एक चाल खेली थी और हमारे जो माननीय जजेज है वो समझ गए जी, इसलिए उन्होंने वो एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा डांटा था जी। वो एक चाल थी, मुझे लगता है कि जजों को भी समझ में आ गया, आम जनता को समझ में आ गया, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया जी, उस पर डिस्कशन हुआ, तो उस पर एक जागरूकता आ गई थी, इनकी जो चाल थी लोग समझ में आ गया था जी। मैं तो अभी भी यही कहूंगा सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि आप एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगंडा छोड़ दीजिए जी, ईमानदारी से काम करिए। सब लोग काम कर रहे हैं, नवीन पटनायक जी काम कर रहे हैं, मैं तो जो बीजेपी गवर्नमेंट उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी यहाँ बनी हुई है, काम कर रही है ना जी। केरल अपना काम कर रहा है, उड़ीसा अपना, नवीन पटनायक अपना काम कर रहे हैं जी, आप भी आप काम करो। आपको रोज जो है एक डिस्प्यूट क्रिएट करने की हैबिट हो गई है, रोज एक विवाद क्रिएट करने की हैबिट हो गई। 2 करोड़ की जनसंख्या है, दुनिया का सबसे छोटा राज्य है दिल्ली, दुनिया का मतलब भारत का, आप यहाँ लोग 10-10 करोड़ के जनता को आराम से हैंडल कर रहे हैं, आप 2 करोड़ लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। अश्वनी जी, ये केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है ठीक से काम ना कर पाए, इसके लिए ही जो है उनके अधिकारों को जो है कम किया गया है और उपराज्यपाल महोदय को शक्तिशाली बनाया गया है, जबकि मदन लाल खुराना साहब और साहेब सिंह वर्मा साहब और आपकी सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी, ये इतने लोग मुख्यमंत्री यहाँ रहे, ये लोग भी तो दूसरे उपराज्यपालों के उसमें काम किए हैं और आपस में तालमेल रहा है। ये संजोग है कि जब
शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, जी और साहिब सिंह वर्मा जी जब थे और मदन लाल खुराना जी थे तो कांग्रेस की सरकार जी, थी। लोगों ने जी, काम किया। अगर जी, आपको काम करना होता है, जी, आप कोऑपरेशन नहीं चाहते, आप कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, तो उनकी हैबिट में आ गया है। जी अब वो हैबिट में आ गया है तो क्या करें। ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।